प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेन वुमन एंड डॉग में। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हमारे होली लैंड टूर के पार्ट 5 में, जो लास्ट पार्ट है हमारे टूर का, जहां हम गए माउंट सोदोम, ताबा बॉर्डर, माउंट सिनाय, बर्निंग बुश, स्प्रिंग ऑफ मोसेस, सेंट कैथरीन मोनेस्ट्री, पिरामिड्स ऑफ गिजा, स्पिनिंग्स ऑफ गिजा, हैंगिंग चर्च, फारोनिक विलेज एंड नाइल क्रूज। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट डे हम निकले इजिप्ट के लिए। ऑन द वे हमें मिला माउंट सोदोम। ये वही जगह है जहां सोदोम और गमोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया था और अपने लोगों से कहा था पलट कर मत देखना, लेकिन लूत की पत्नी ने परमेश्वर की बात ना मानकर पलट कर पीछे देखा और नमक का खंबा बन गई, जिसका वर्णन बाइबल में है। माउंट सोदोम 80% सॉल्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्टिएस्ट माउंटेन है। फिर हमने बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक हॉल्ट लिया और आइसक्रीम खाई। फिर हम पहुंचे मेनाकिम बिगिन बॉर्डर पर, जहां हमने इजराइल से इजिप्ट एंटर किया। अंदर आपको चेक इन करवाना होता है। यहां इस तरह की ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। फाइनली हम पहुंचे इजिप्ट के बॉर्डर पे, जो ताबालैंड पोर्ट कहलाता है। फिर हम पहुंचे हमारे होटल, जिसका नाम था तुलिप रिजॉर्ट एंड स्पा, जो ताबा में था। सबसे पहले हमने लंच लिया, जहां फिश, चिकन, मीट अनलिमिटेड था और बहुत ही टेस्टी था। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा रूम। अब तक का हमारा टूर का सबसे बेहतरीन होटल था, जो रेड सी के पास था। हमारे रूम से नजारा बहुत ही खूबसूरत था और मेरी खुशी तो आप देख ही सकते हैं। मैं आपको इसका एक 360 व्यू दिखाता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये होटल कितना आलीशान है, कितना बड़ा है और बेहद खूबसूरत भी है। हमने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इस रिजॉर्ट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये रेड सी से लग के है। इनका खुद का यहाँ पर प्राइवेट बीच है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्विमिंग पूल्स थे डेप्थ वाइज। शाम का मंजर बहुत ही सुहाना था। फिर हमने बीच का मजा लिया। ये होटल दिन में जितना ब्यूटीफुल लगता है, उतना ही रात में। फिर हमने डिनर लिया और सो गए। अगली मॉर्निंग हम निकल गए अपने लोकेशन कवर करने के लिए। एक तरफ बंजर जमीन थी तो दूसरी तरफ पानी ही पानी। इन रास्तों की बात ही कुछ अलग थी। हम मेडिटेरियन सी के पास से होकर गुजर रहे थे। फिर हम पहुंचे माउंट सिनाय। ये वही जगह है जहां परमेश्वर ने मूसा यानी कि मोसेस को 10 आज्ञाएं दी थी, जिसका वर्णन बाइबल में है डिट्रोनॉमी में, यानी कि व्यवस्था विवरण। वहां से हम गए सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री, जहां बर्निंग बुश है। ये वही जगह है जहां परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था जलती हुई झाड़ियों में से और उसे चुना था इजरायलियों को इजिप्ट की गुलामी से बाहर निकालने के लिए। और यहां पर एक कुआं भी है जहां मोसेस अपनी वाइफ जिपोरा से मिला था। इसका वर्णन बाइबल में एक्सोडस की किताब में है। फिर हमने हॉल्ट लिया और लंच किया इजिप्शियन ढाबा में। उसके बाद निकल गए नेक्स्ट लोकेशन के लिए। फिर हम पहुंचे स्प्रिंग ऑफ मोसेस, जो है साउथ सिनाय में। इस जगह में मोसेस ने इजरायलियों को रेड सी से पार लेकर आया था
और उन्हें 3 दिन तक कोई पानी का सोता नहीं मिला और इन कुओं का पानी खारा था। तब मोसेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पेड़ दिखाया और उस पेड़ को कुएं में डालते ही पानी मीठा हो गया। इसका वर्णन एक्सोडस की किताब चैप्टर 15 के वर्स 25 में है। यहाँ पर इजिप्शियन सोविनियर के स्टॉल हैं। लास्ट में हमने एक ग्रुप फोटो ली और निकल गए अपने होटल के लिए। हमारा होटल कायरो में था। ये कनेक्टेड रूम था जो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ लिया था। हमेशा की तरह मैंने बहुत मस्ती की। हमारे रूम से रात का व्यू कुछ ऐसा था। फिर हमने डिनर लिया और सो गए। अगले दिन हम पहुंचे पिरामिड और स्फिंक्स देखने के लिए। आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड पिरामिड ऑफ कुफू है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहलाता है। ये सारे पिरामिड से बड़ा है, जो 118 है, जिन्हें डिस्कवर किया गया था 2008 में। दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर कहलाता है, जो 4700 साल पुराना है और इसके आर्किटेक्ट का नाम था इमोटेप। आई एम प्रीटी श्योर इस नाम को सुन के आप में से बहुत से लोगों को एक चीज जरूर याद आई होगी। जी हाँ, द ममी फिल्म के विलन का नाम भी इमोटेप था, जिसे अर्नोल्ड वॉसलो ने बखूबी प्ले किया था। गाइस, सही एंगल से फोटो लीजिए तो आप पिरामिड को भी छू सकते हैं। पिरामिड और कुछ नहीं, मकबरा है फैरोस के लिए। और फैरोस की तो फितरत में ही होती है तानाशाही, जीते जी भी और मरने के बाद भी। इसलिए उन्होंने पिरामिड ऐसा बनाया है कि सबको झुककर अंदर आना होगा, यानी दंडवत करके अंदर आना होगा। इसलिए हमने एंट्री नहीं की। फिर हम और आगे गए ताकि हमें पिरामिड्स का और भी अच्छा व्यू देखने को मिल सके। यहां पर कैमल राइड और सुविनियर्स के शॉप थे। आप पिरामिड्स को जितने दूर से देखते हैं उतना अच्छा आपको व्यू मिलता है। नो वंडर वाई इट इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब चाहे दुनिया का कोई भी वंडर हो, उंगली वाला पोज तो बनता है। फिर हमने विजिट किया स्फिंक्स ऑफ गीजा, जो बना है लाइमस्टोन से। स्फिंक्स एक मिथिकल क्रीचर है, जिसकी बॉडी लायन की और फेस ह्यूमन का है। स्फिंक्स ऑफ गीजा 4513 ईयर्स ओल्ड है। स्फिंक्स ऑफ गीजा बनाया गया था फेरो काफरे के लिए। पिरामिड में शाम किसी मूवी से कम नहीं लगती। फिर हम पहुंचे द हैंगिंग चर्च, जो सेंट वर्जिन मैरी चर्च भी कहलाता है। ये वही जगह है जहां जीसस, मदर मैरी और जोसेफ आए थे, जब उन्हें वार्न किया गया था एक एंजल के द्वारा कि बैतलहम छोड़के इजिप्ट चले जाओ। वो इजिप्ट आए थे 4 BC में, जो 65 किलोमीटर दूर था बैतलहम से। वो यहाँ पर 3 साल रुके और जब जोसेफ को सपना आया कि वापस जाना अब सेफ है क्योंकि हेरोदस राजा मर चुका है, तब वो वापस गए नाजरत, जो 170 किलोमीटर दूर था इजिप्ट से। उस जमाने में इस तरीके की यात्रा बहुत मुश्किल और लंबी हुआ करती थी। ये चर्च बना था 1690 AD में, जिसके हिसाब से ये 1700 साल पुराना चर्च है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने चर्चेज में से एक है। इसे हैंगिंग चर्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रोमन साम्राज्य के उस अंश पे बचा हुआ है जिसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं है, जो बनाया गया था 2nd century में। फिर हम पहुंचे फेरोनिक विलेज, जो रेप्लिका है पुराने जमाने के इजिप्शियन कल्चर का। ये बेसिकली एक बोट राइड है जो पुराने जमाने की इजिप्ट से आपको रूबरू कराती है। And was brought up in the royal palace. Eventually, he became a prophet who led his own people, the Hebrews, out of Egypt. ये वो जगह बनी है जहाँ फेरो की बेटी को मोसेस मिला था। बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने पुराने जमाने को रिक्रिएट किया है।
जैसे उस जमाने में फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और उस जमाने की टेक्निक को यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उस जमाने में फिश कैसे पकड़ा करते थे। वैसे ही बाकी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ग्लास वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट था इजिप्ट में, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ बताया गया। ममीज बनाने के लिए पहले तो नाक के द्वारा ब्रेन को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर बॉडी के सारे ऑर्गन्स को निकाल के एक डिफरेंट जार में प्रिजर्व किया जाता है, और अगर वो फैरो है तो उसे एक डिफरेंट टोम में रखा जाता है ट्रेजर्स के साथ में। और उन्होंने हमें बाकी चीज़ें भी बताई कि ममीफिकेशन में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पॉटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस जमाने में, साथ ही साथ पेंटिंग जो आज भी हमें देखने को मिलती है, स्कल्पचर ऑफ कोर्स, इसी के लिए तो इजिप्ट फेमस है। ये जार्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता था, कारपेंटर, आर्सनल, ये वो जगह है जहां पे हथियार बनाए जाते थे। परफ्यूम्स, ये दाखरस से परफ्यूम बनाते थे। ये उस जमाने के पेपर वर्क हैं जिससे स्क्रॉल्स बनाया करते थे, जिसे हम लिपियां कहते हैं। इजिप्शियन वाइन बहुत फेमस थी अपने जमाने में। ये एक दो घंटे की बोट राइड होती है जिसमें आपको सब कुछ दिखा दिया जाता है। फिर हम एक आर्ट गैलरी से होते हुए एक फेमस परफ्यूम की दुकान पहुंचे जिसका नाम है द गोल्डन ईगल क्रिस्टल। ये क्रिस्टल वर्क और परफ्यूम्स दोनों के लिए ही बहुत फेमस हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप के वैरायटीज के क्रिस्टल बॉटल्स और परफ्यूम्स हैं। इस तरीके के यहाँ पे फ्रेग्रेंस के नाम और उनकी कैटेगरी दी हुई है, अच्छे से पैक करके आपको दे देंगे ताकि कोई चीज ना टूटे, और हमारा एक्सपीरियंस तो यहाँ पर बहुत अच्छा था। ये मेरी लेटेस्ट पिक है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं टूटा है और आज भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमारी इजिप्ट की आखिरी रात के लिए नाइल क्रूज के लिए गए। क्रूज किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं था। गाइस, क्रूज पे एंटरटेनमेंट की कोई भी वो कमी नहीं छोड़ते। यहाँ पे बहुत से टाइप के डिफरेंट डांसेस होते हैं, स्किट होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि बैली डांस, व्हिर्लिंग डर्विशेस, लाइट स्कर्ट ट्विर्लिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं वो वहाँ पे लाइट को घुमा रहे हैं। यहाँ पे वो अपना कल्चरल और ट्रेडिशनल डांसेस दिखाते हैं। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमने डिनर लिया और अपर डेक पर जाकर रात का नज़ारा देखा, जो कि बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर भी हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की। फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए, कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से हमारी फ्लाइट थी इंडिया के लिए वापस। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको हमारा होली लैंड टूर के सारे पार्ट्स पसंद आए हो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सारे देखिए, और अगर आपने सारे देखे हैं तो इंक्लूडिंग दिस वीडियो, आप सब पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप हमें उस पे भी फॉलो कीजिए, जहां मैन वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड बहुत से अपडेट्स डालते रहते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।